जिस तरह से असमयिक जो निधन हुआ सुशील कुमार मोदी का, वो किन्हीं को जो है इस बातों पर भरोसा नहीं था, मगर जो कहा जा सकता है कि ये समय जिस तरह से लोगों को एकाएक देखने का जो कहा जाता कि समय आ गया, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है लोग जो है असंभित है। बिहार सरकार के कई मंत्री हों या बीजेपी के जो सीनियर लीडर हों, ये तमाम लोग जो हैं, वो लोग जो हैं इन चीज़ों से हमारा महत्व है। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, उनसे हम कुछ बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या कुछ इस क्षण को लेकर वो कहेंगे। बहुत ही दुखद समय है सम्राट जी, लगातार आप इन चीज़ों को देख रहे थे, पूरा कोऑर्डिनेशन सुशील कुमार मोदी जी को लेकर। दुर्भाग्यपूर्ण है हम लोगों के लिए कि हम लोगों के बड़े नेता जो हम लोग के साथ छोड़ गए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के संघर्ष के लिए, बिहार में भाजपा को बढ़ाना, बिहार में छात्र आंदोलन से लेकर यहाँ तक आगे आना, ये एक महत्वपूर्ण काम भारतीय जनता पार्टी के लिए आदरणीय सुशील मोदी जी ने एक मजबूती से संगठन को खड़ा करने वाले नेता थे। सुशील कुमार मोदी जी ने अपनी बीमारी को लेकर काफी समय तक इन बातों को छुपाया ताकि संगठन में कोई असर ना पड़े, क्योंकि चुनाव भी बहुत नजदीक था, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता। कितनी बड़ी कुर्बानी। देखिए, सार्वजनिक जीवन में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत मजबूरी होती है अपने घर की बात को बाहर करना। सुशील जी जूझते रहे आप, और इलाज तो उनका चल ही रहा था, लेकिन वो जूझते रहे, लड़ते रहे, मेरा ही मानना है। यह अपूर्ण क्षति है, इस क्षति का भरपाई नहीं हो सकती, अपूर्णीय क्षति है और इस चीज़ों की भरपाई नहीं हो सकती है। मैं बिहार सरकार के जो कहते हैं पूर्व मंत्री और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी से भी बात कर लेता हूँ कि जो ये समय जो आया है, एकाएक जो समय जो आया है, ये जो है इसको देखने की क्या कुछ इतना समय था सर, ये उम्मीद थी आप? देखिए, हम लोग कभी सपने में नहीं सोचा था कि इस कम उम्र में सुशील मोदी जी हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे। इतना लंबा संबंध मेरा रहा है, लगभग 53-54 साल का संबंध था, और मुझे लगता है कि हम लोग, मैं तो आजीवन उनको मिस करता रहूंगा। सुशील जी के जो विशेष गुण थे, उन गुणों में कुछ गुण मैंने भी सीखने की कोशिश की है। पार्टी के विस्तार में उनकी जो बड़ी भूमिका है उसको हम नकार नहीं सकते। भाजपा का बिहार में अगर विस्तार इतना हुआ है तो सबसे बड़ी भूमिका सुशील मोदी जी की रही है। संयोग से मैं जब भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष था, वो विधायक दल के नेता थे, तो दोनों ने कैसे बेहतर तालमेल से काम किया है ये लोग उदाहरण देते हैं। सुशील जी ने जहां एक तरफ संगठन के विस्तार के लिए काम किया, वहां मंत्री के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बिहार के विकास के लिए भी नहीं काम किया है, बिहार हमेशा उनको याद रखेगा। किशोर यादव जो अपनी जो कहा जाता है कि जो अनुभव उनके साथ सुशील कुमार मोदी के साथ जो बीता, वो उसको जो है साझा कर रहे थे हमारे साथ। बिहार सरकार के मंत्री जो है हरी सहनी जी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते। हरी सहनी जी, एक बहुत ही जो समय एक जो है आप लोग को देखना पड़ रहा है, इसकी उम्मीद नहीं थी आप लोग, इसकी उम्मीद नहीं थी जो ये समय देखना पड़ा, बहुत ही एक माना जा रहा है कि दुखद घटना हुआ है, बिहार बीजेपी को बहुत बड़ी क्षति। देखिए, तो तय है कि 3 दशकों में चारों सदनों का, जिन्हें सदस्य रहने का अवसर मिला विभिन्न मंत्रालय उप मुख्यमंत्री के रूप में, और जितने ही वो पार्टी का वो सफलता प्रदान किए, उतने ही बिहार को भी सफलता प्रदान किए, और केंद्र में देश को 5वें अर्थव्यवस्था बनाने में इनका भी बड़ा योगदान रहा। जिस समय में ये क्या कह रहे हैं कि जो ये लोकसभा सदस्य के रूप में थे, तो उस अवसर पर इनके द्वारा GST लागू जो किया गया था, उस समय में इनका बड़ा रोल रहा। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, सारे दलों के लोग मरमाहत है, असामयिक मौत होने पर निश्चित रूप से खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही दुखद पल है। बिहार सरकार के मंत्री जो हैं हरी सहनी जी हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार जी से भी हम बात करते हैं। प्रमोद जी, एक ऐसा समय जो आप लोगों को देखना पड़ रहा है, जो शायद उम्मीद मोदी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए
ये जो क्षति हुई अपूर्णीय क्षति, ये भारतीय जनता पार्टी की आत्मा जो है वो खत्म हो गई। कार्यकर्ता के नेता के रूप में हमारे माननीय मोदी जी थे और हर वर्कर के अंतिम प्रधान मोदी जी थे, और जो भी व्यक्ति आवे कभी रात को कहे या सुबह कहे दिन में कहे उससे बात करना उसकी समस्या का समाधान। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। कैसे इस क्षति को पूर्ति कर पाएंगे, क्या ये संभव है? अभी अभी कदापि संभव नहीं दिख रहा है। हम कहें अपूर्णीय क्षति, अभी पूर्ण होने के इसका कोई भविष्य उनके स्थान को पूरा करने वाला नहीं दिख रहा है। पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार थे, इन्होंने जो अपनी बातों को रखा, कोई जो है वो कमी को पूर्ति नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा सुबह से ही जो है तमाम लोग जो है यहाँ पर सुबह से ही जो है लगे हुए। कल रात को जैसी घटना मिली विजय कुमार सिन्हा जी ने अपना कार्यक्रम जो है स्थगित कर दिया। आज रोड शो भी जो है उन्हें जाना था मगर वो नहीं गए। और विजय कुमार सिन्हा जी से हम कुछ बात कर लेते हैं। सर, जैसी ये सूचना मिली पार्टी की तरफ से तमाम गतिविधियों को रोक दिया गया, आपने भी अपना आज कार्यक्रम स्थगित कर दिया और लगातार सुबह से ही हर गतिविधि जो हो रही है लाने से देखिए बिहार की नहीं पूरी राजनीति के लिए एक उड़ीसा निर्भीक योद्धा को खो दिया, जो अराजकता के विरुद्ध, अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध, भेदाग छवि के और अपनी बुद्धिमत्ता और विद्वत्ता से बिहार के अराजकता के विरुद्ध लड़ते रहे, सत्ता परिवर्तन करते रहे, शुचिता सुशासन को स्थापित करते रहे, कार्यकर्ताओं के मनोबल और उत्साह को बढ़ाते रहे, भाजपा को मजबूत किए, और आज इनका जाना, निकट भविष्य में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा जो उसकी भरपाई कर सके, ये बहुत बड़ी क्षति पार्टी और राजनीति के लिए है। सुशील मोदी ने सत्ता में भी रहकर और विपक्ष में रहकर जो भूमिका निभाई, बिहार के लोगों ने उन तमाम चीजों को देखा, कितना सर कमी फलेगा? पूरी ईमानदारी के साथ लोग जातीय जहर के लहर के कहर में भी इन्होंने अपनी निर्भीकता से लड़ते रहे, लोगों के बीच आंसू पोंछते रहे और उस अराजकता को हटाने तक इन्होंने कभी रुके नहीं। आज बिहार की जनता को इनकी कमी, इनकी बातों का, इनके आंकड़ों का, इनके ऊपर लोगों का विश्वास था कि ये जो बोलते हैं, जो कहते हैं उसमें सच्चाई होती है, क्योंकि लाग लपेट नहीं, ये चारित्रिक रूप से और राजनीतिक में सुशासन के शुचिता के रूप में बहुत ही लोगों का विश्वास जीता था। बिहार सरकार के बहुत ही भावुक क्षण इस क्षण को जो है वो यहाँ पर जो है जरूर बैठे हुए हैं, मगर बहुत ही भावुक जो है क्षण है, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं जो पूरे कार्यकर्ताओं में जो कार्य संख्या की एक इस समय पर जो है सुशील कुमार मोदी जी को लेकर अंतिम जो है वो प्रणाम श्रद्धांजलि जो भी जो कहा जा सकता है कि अपने शब्दों में जो है वो यहाँ पर अर्पित करने के लिए पहुँचे हुए हैं। बिहार सरकार के कई मंत्री जो है यहाँ पर मौजूद हैं, उन तमाम लोगों से हम बात करेंगे। धर्मशीला गुप्ता जो राज्यसभा की, और इसी खबर के साथ यहाँ पर रोकेंगे कि छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे।